वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि WPL के दो मैच हो चुके हैं, वहीं पे अब आप लोगों को तीसरा मैच आज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी टीमें देखने को मिलेंगी, जिनमें से पहली टीम है गुजरात जायंट्स और दूसरी रहेगी मुंबई इंडियंस। तो मेरे हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में और बताएंगे मैच प्रेडिक्शन, यानी कि कौन सी टीम आप लोगों को जीतती हुई नजर आएगी। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, मुंबई इंडियंस का एक मैच हो चुका है जिसमें देखा है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की थी। अच्छा खासा मैच था, लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे और वो मैच देखा जाए मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था। वहीं पे गुजरात जायंट्स का ये पहला मैच होने वाला है अपनी कैप्टन के साथ, यानी कि बेहत मुनी के साथ कैप्टन रहेंगे, क्योंकि इसने नाराणा देखा जाए तो लास्ट सीजन आप लोगों को कैप्टनसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार आप लोगों को इनकी परमानेंट कैप्टन देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस कोई भी अपनी प्लेइंग इलेवन में चेंज नहीं करेगी। मेरे हिसाब से वही उनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग इलेवन है, वही आपको कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी, जहां पर आप लोगों को हेली मैथ्यूज हो गई, यस्तिका भाटिया हो गई, नेटली सीवर ब्रंट हो गई, हरमनप्रीत कौर, एमिलिया कर, अमनजोत कौर हो गई, वहां पूजा वस्तकर हो गई और सबने स्माइल आप लोगों खेलती हुई नजर आएंगी। वहीं पे आप लोगों को दिखाए साई का साथ देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से सेम टू सेम प्लेइंग इलेवन रहेगी, आप लोगों को ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें गुजरात जायंट्स की, तो गुजरात जायंट्स में आप लोगों को इनकी कैप्टन बेथ मुनी देखने को मिलेंगी, लॉरा बुलफर्ड देखने को मिलेंगी, उसके बाद हरलीन दियोल होंगे, एसली गार्डनर, मेरे हिसाब से एसली गार्डनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वहीं पर आप लोग को वेदा कृष्णमूर्ति, स्नेह राणा हो गई, फिर यहाँ पे मन्नत कश्यप देखने को मिलेंगी और मेघना सिंह देखने को मिलेंगी, मतलब अच्छी खासी आप लोग को स्नेह राणा के साथ अच्छी खासी देखा जाए यूनिट देखने को मिलेंगी, बॉलिंग के अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे। और वहीं पर इनके ऑलराउंडर यानी कि एसली गार्डनर, मेरे हिसाब से एसली गार्डनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस टीम में। वहीं पर अगर हम बात करें कौन सी टीम आप लोग को अभी दिखा जाए स्ट्रॉगेस्ट देखने को मिले, मेरे हिसाब से देखिए लास्ट सीजन आप लोगों ने देखा होगा गुजरात जायंट्स का बहुत ज्यादा बेकार गया था, मेरे हिसाब से 4 या 5 मैच स्टार्टिंग के हारे थे। उसके बाद देखा जाए मुंबई इंडियंस, देखिए चैंपियन थी जाहिर सी बात है, वहीं पर अभी देखा जाए मोमेंटम किसके साथ, मोमेंटम है मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि लास्ट मैच देखा जाए जीत के आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कौन सा प्लेयर रहेगा जो इन दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाता हुआ नजर आएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को हेली मैथ्यूज आप लोगों को ज्यादातर स्कोर बनाती हुई नजर आ सकती है हाई स्कोर, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर देखा जाए लास्ट मैच इनका इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी मैच इनका अच्छा जाएगा नहीं, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से गुजरात जायंट्स के खिलाफ ही ज्यादातर स्कोर बनाती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से हेली मैथ्यूज सबसे ज्यादा आप लोगों को रन बनाती हुई नजर आएंगी। और वहीं पर अगर हम विकेट की बात करें, तो विकेट आप लोग को मेरे हिसाब से आप लोगों को सबनम इस्माइल जी हैं, सबनम इस्माइल ऐसी प्लेयर रहेंगी जो आप लोगों को सबसे ज्यादा देखा जाए विकेट लेती हुई नजर आ सकती है इस मैच में। वहीं पर अगर हम बात करें मैच प्रेडिक्शन कौन सी टीम आप लोग को जीतती हुई नजर आएगी, तो मैं जाऊँगा मुंबई इंडियंस के साथ। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे हो गुजरात जायंट्स के साथ क्यों नहीं, क्योंकि देखिए मुंबई इंडियंस के पास है जो अच्छी खासी फॉर्म है और अच्छी खासा एक्सपीरियंस वो कैरी करते हैं, क्योंकि लास्ट बॉल में 6 मार के जीतना मतलब एक टीम को अलग ही बूस्ट मिलता है, अलग ही मोमेंटम के साथ टीम आगे बढ़ती है। वहीं पर देखा जाए गुजरात जायंट्स के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके मिडिल ऑर्डर में इतने बड़े पावर हिटर देखने को नहीं मिलते हैं जो आप लोग को देखा जाए मुंबई इंडियंस की टीम में देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मैं चूज करूंगा मुंबई इंडियंस, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।